मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मिशन बंगाल दौरे पर हैं, जहां वर्धमान में पार्टी कार्यालय से उन्होंने परिवर्तन यात्रा रथ का शुभारंभ किया, जिसके बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने हाट गोविंदपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर भारी जनसैलाब उमड़ा, वहीं कार्यकर्ताओं ने भी मंत्री डॉक्टर मिश्रा का जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आम जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ममता दीदी और कई पार्टियों ने जनता से कहा था कि वे गरीबी हटाएंगे, इसके साथ ही रोजगार लाने और बंगाल को समृद्ध बनाने को कहा था, लेकिन इन लोगों ने पश्चिम बंगाल को ही कंगाल कर दिया। अभी हमारे सांसद जी वंदे मातरम बोल रहे थे, भारत माता की जय बोल रहे थे, जय जय श्री राम बोल रहे थे। ये तीनों नारे आपने कभी दीदी की सभा में सुने ही नहीं होंगे। ये राष्ट्र को जोड़ने वाली जो भी बात है वो दीदी की सभा में आपको मिलेगी ही नहीं। इसी तरह से आप देखें, कल दीदी के मंत्री श्रम मंत्री जाकिर हुसैन जी के ऊपर हमला हो गया और श्रम मंत्री ममता बनर्जी के मंत्री सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल। या तो हमला प्रायोजित है, अगर हमला प्रायोजित नहीं है तो स्पष्ट करें दीदी के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है कि मंत्रियों के ऊपर हमले हो रहे हैं तो क्या स्थिति बनती है। आप सरकार नहीं संभाल पा रही तो लिखे राष्ट्रपति शासन के लिए, मंत्रियों पे हमारे कार्यकर्ताओं पे हमले होते थे, हम कहते थे तो कहती थी भाजपा का प्रायोजित है। अब आपके मंत्री पे हमला है, बताओ किसका प्रायोजन है दीदी। मित्रों, पश्चिम बंगाल में अचंभा होता है, कम्युनिस्ट पार्टी वाले और ममता बनर्जी, एक ने 34 साल राज किया, एक ने 10 साल किया, बाकी कांग्रेस ने, और ये सब गरीबों के नाम पर हम लोग गरीबी हटाएंगे, हम लोग बेरोजगारी हटाएंगे, हम पश्चिम बंगाल के अंदर समृद्धि लाएंगे, संपन्नता लाएंगे। और जैसे जैसे आप इन्हें अवसर देते गए वैसे वैसे ये पश्चिम बंगाल को कंगाल करते चले गए। कंगाल, पूरा बंगाल कंगाल कर दिया। दीदी के भाई भतीजों ने भ्रष्टाचार में पूरा कंगाल का नाश, बंगाल का नाश कर दिया। ये स्थिति हमारे पूरे के पूरे बंगाल की कर दी, सिर्फ इनके भाई और भतीजों के भ्रष्टाचार। एक माफिया का राज पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर है, रेत माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया यहां पर सक्रिय है। पर हमलों की योजना, जितने हमले हो रहे इनके भाई और भतीजों के संरक्षण पड़प रहे पल रहे, ये लोग हमले की योजना बना रहे। वे तो भारतीय जनता पार्टी आपके सामने आज परिवर्तन यात्रा लेके आई है। आपने सबको देखा बार बार, भाजपा को एक बार अगर आपने भारतीय जनता पार्टी बना लिया तो हम विश्वास दिला रहे हैं गुजरात और मध्य प्रदेश की तरह आपके पश्चिम बंगाल की तस्वीर भी संवारेंगे और आप सबकी तकदीर भी हम संवारेंगे। यहां पर ये पूरी ताकत से, शिद्दत से, मेहनत से पश्चिम बंगाल की सेवा करना चाहते, यही संदेश लेके आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।